ये है भुना गोश्त भाई, ये है इनका पंजाबी तवा चिकन। इसमें जो ये मलाई की कोटिंग है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है भाई। ये देखो भाई, तंदूरी चिकन क्या बेहतरीन लग रहा है चटनी के साथ। हेलो गाइस, दिस इज अजय, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अपना ना गोयला के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा था, तो आज गोयला को एक और मौका देते हुए मैंने और कुछ फूड आइटम्स यहाँ से मंगाए हैं, बटर चिकन छोड़ के, जिसके लिए फेमस है। तो देखते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है। तो लेते हैं खाने के मजे विद अजय और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी कोक के साथ। चीयर्स। सो गाइस, गोयला का खाना देख के फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात करूं, दिखने में भाई ये बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, बट कॉस्ट वाइज मेरे को थोड़ा कॉस्टली लगा। 2,500-2,500 रुपये का खाना पड़ा है और टेबल भरने में आज दिक्कत हो रही थी। तो ट्राई करते हैं भाई सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग चीज़। सो गाइज, ये है ओल्ड दिल्ली चिकन मलाई सीख। सीख कबाब है भाई, मलाई वाले फ्लेवर में, फर्स्ट टाइम देखा मैंने ऐसा कुछ। लेट्स ट्राई इट। गाइज, ये ना 369 रुपीज़ के हैं, बट भाई वर्थ इट है। ऐसा कुछ नहीं खाया भाई मैंने आज तक, बहुत अमेजिंग। और गाइज पता है, चटनी की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें जो ये मलाई की कोटिंग है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है भाई। गार्लिक का बहुत बेहतरीन फ्लेवर आ रहा है। मज़ेदार भाई। सो गाइस, सच बता रहा हूँ, गोयला ने आज दिल जीत लिया। तो बढ़ते हैं भाई अब तंदूरी चिकन की तरफ, क्योंकि लास्ट वीडियो में जला हुआ तंदूरी चिकन खा के मूड खराब हो गया था। सो गाइस, ये है दिल्ली तंदूरी चिकन, 379 रुपीज़ के 4 पीसेज हैं भाई ये। तो देखते हैं कैसा होता है। सॉफ्ट, परफेक्टली कुक्ड। हरी चटनी बहुत बेहतरीन हो रही है, तो उसके साथ ट्राई करेंगे। ये देखो भाई, तंदूरी चिकन क्या बेहतरीन लग रहा है चटनी के साथ। बहुत सॉफ्ट है भाई ये। अमेजिंग। सो गाइज, अब बढ़ते हैं सीधा मेन कोर्स की तरफ। भाई ये है इनका पंजाबी तवा चिकन, 450 समथिंग का है ये। बटर नान के साथ ट्राई करेंगे। पहली ही बड़ी बाइट, काफ़ी थिक ग्रेवी है इसकी। टेस्ट बहुत सही आ रहा है भाई। गाइस, ये ना काफी ज्यादा फ्लेवरफुल हो रहा है और इसमें ना प्याज का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, तो हल्की सी स्वीटनेस आ रही है जो कि इसके टेस्ट को ना बहुत बेहतरीन बना रही है। रुमाली रोटी निकालता हूँ यार, ये ना मैंने बचा के रखी थी। देखिए गाइस, कुछ ऐसी हालत है इसकी, बट बहुत सॉफ्ट होती है। अब आने वाला है असली मज़ा। ये देखिए, कुछ इस टाइप की ग्रेवी है इसकी।
बहुत सॉफ्ट भाई, मन तो कर रहा है अपने आगे आने वाले सभी मकबैंग में मैं यही रोटी रखूं। पीस ट्राई करते हैं। बहुत अच्छे से पके हुए हैं ये, देखिए भाई बिल्कुल मसालेदार पीसेज हैं। सॉफ्ट भाई। अब एक रोल बनाते हैं भाई, रुमाली रोटी कबाब, थोड़ा प्याज डालते हैं, थोड़ी सी चटनी। जो कबाब रोल फ्लॉप हुआ था ना आज उसे हिट करते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसे टेस्ट करने के लिए। आय हाय, जैसा कबाब रोल खाने की इच्छा थी ना भाई, उससे भी लाख गुना ज़्यादा अच्छा वाला। मज़ेदार। सो गाइस, ये है भुना गोश्त, इसके साथ भाई दो पराठे फ्री आए हैं। फ्री क्या आए हैं, इस टाइप का कुछ 619 रुपये इसकी कॉस्ट है और उस हिसाब से मुझे बहुत कॉस्टली लगा है। ट्राई करते हैं। ग्रेवी भी बहुत पतली है, लच्छा पराठा भी सॉफ्ट हो रहा है भाई। पूरी क्वांटिटी है भाई 619 रुपये वाली, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसमें दो पराठे खाए कैसे जाएंगे। पीस ट्राई करते हैं। ये देखिए ऐसे कुछ हैं पीस दिखने में। थोड़ा टाइट लगा मुझे। दूसरा पराठा, ये तो टेस्टिंग टेस्टिंग में ख़त्म हो गया भाई। छः सौ उन्नीस लायक नहीं है भाई, खाली पीस खा के देखते हैं। मज़ा नहीं आ रहा मटन में। रुमाली रोटी के साथ देखते हैं। मुझे फ्लेवर का ना पता नहीं चल पा रहा, पता क्या नहीं चल पा रहा है नहीं। अरे देखिए भाई थोड़े ड्राई ड्राई से पीस हैं यार, एक जो होता है ना घुल जाए मटन वैसा नहीं है, चपाना पड़ रहा, फीका फीका लग रहा है यार। पराठा ट्राई करते हैं थवा चिकन के साथ। भैया तवा चिकन तो लाजवाब हो रहा है हर ब्रेड के साथ। सो गाइस, शाउट आउट का टाइम आ चुका है। मेरी लास्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट था चेतन नाथा वाले का, बाकी जो बेस्ट कमेंट्स होंगे वो मैं स्क्रीन पर डालूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, मतलब जिस दिन का इंतजार देखा था ना भाई कि अपने भी यूट्यूब पे थोड़े सब्सक्राइबर हो, वो आप लोगों ने सच कर दिया है। मतलब मैं अपना ना ड्रीम वाली लाइफ जी रहा हूँ भाई आप लोगों की वजह से। और जिन लोगों ने भी भाई नया नया ज्वाइन किया है ना, बने रहो बस, बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस, अब खाते हैं दिल्ली तंदूरी चिकन।
एकदम परफेक्ट ब्लेंड है भाई इसमें मसालों को। थोड़ा महंगा है पर टेस्ट अच्छा है। चटनी गिर गई शर्ट पर। गाइस अनिका मुझे बहुत मारती है अगर मैं कपड़े गंदा करता हूँ। अभी भी घूर के देख रही है। और हाँ मुझे एक बात याद आई यार, किसी ने कमेंट कर रखा था, अच्छा खासा सजेशन दे रखा था। बट रही बात कि अपनी क्लीन करके बोन्स खाया करो, भाई मेरे घर में डॉग है, मेरी गली में डॉग्स हैं, अगर मैं ही बिल्कुल साफ़ करके खा जाऊँगा तो भाई उनके लिए क्या बचेगा। क्या बेहतरीन लगता है भाई तंदूरी चिकन चटनी के साथ, आय हाय हाय। पीस के साथ खाते हैं। एक नंबर भाई। सो गाइस ये है इनकी चिली चूर चूर नान करके कुछ था। लेट्स ट्राई इट। बढ़िया फ्लेवर आ रहा है भाई, क्रंची क्रंची सा। इसमें अजवाइन भी डाली हुई है। मटन, क्या मटन दिया 600 रुपये का आने का। मतलब कुछ तो टेस्ट होता है यार। वेज मटन घर में ही बनाना, बाहर का नहीं खाना। चीज़ बढ़िया है भाई। बहुत सारे लच्छे अलग हो रहे हैं इसके। छूर छूर नान खाने तो है ही यार। वैसा मटन नहीं होता जो दांत में फंसता है, ये वैसा मटन है यार। गाइस अभी कैमरा ऑफ हो गया था, मुझे पता नहीं कहाँ पे रुका है इसलिए पहले ही बता देता हूँ, स्टोरेज फुल हो गई थी। गाइस ये देखिए ज़रा आप, लेयरिंग देखिए चूर चूर नान की। गाइस नेक्स्ट महीने ना मेरे भाई की शादी है, ये एक टेस्ट करने के लिए मैं इतनी लास्ट में बता रहा हूँ। जुलाई में मेरे भाई की शादी है तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन नितिन लिखना है, ठीक है, याद रखना। देखूँगा मैं आप सबके कमेंट और रिप्लाई भी करूँगा। टेबल थोड़ी साफ़ करता हूँ फिर इंजॉय करेंगे कबाब्स। सो गाइस कबाब ना मैंने लास्ट के लिए बचा रखे थे क्योंकि जाते जाते मूड अच्छा रहे तो मज़ा आता है। आय हाय हाय। बहुत सॉफ्ट है भाई। अनिका को भी ये बहुत पसंद आया भाई।
मजेदार एकदम। लास्ट इतने सॉफ्ट और इतने बेहतरीन कबाब मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए भाई, और सही बता रहा हूँ ठंडे होने के बाद भी बढ़िया हो रहे हैं भाई। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।